Okay, good morning, students. I hope everyone is doing well and you are studying hard. So, you have already known that we have already started this chapter 1 and I was dealing with the topic that is outbreak of the revolution. So, hum log outbreak of the revolution dekh raha tha. So, I was explaining yesterday how these common people, representative of the common people, they were demanding for the constitution of France. वो लोग constitution demand कर रहा था क्योंकि जब king ने meeting बुलाया था state general का जो first state, second state and third state meeting बुलाया था new taxes pass करने के लिए तो जो बरसों से वो लोग voting system चले आ रहा है वही फॉलो करने वाला था किंग लेकिन इस बार वोटिंग अलग तरह से होगा बोल के डिमांड कर रहा था दिस वन थर्ड स्टेट लोग लेकिन किंग ने उन लोगों का प्रपोजल को नहीं माना है द किंग रिजेक्टेड देयर प्रपोजल तो इसीलिए कॉमन पीपल लोग ये वर्साइल पैलेस से आउट जाके वो लोग स्ट्राइक करने लगे and they declared themselves as a national assembly तो वो लोग वर्साइल से जाके बाहर जाके वो लोग डिमांड करने लगे for the constitution of France हम लोग देखा है तो कितना members हम already बता चुके हैं 300 each और common और third state का 600 each तो वो लोग इस बार एक representative का एक vote होना चाहिए बोलके वो लोग डिमांड कर रहा था तो हम लोग देखा है और हम कि ये एक डेमोक्रेसी प्रिंसिपल आइडिया था जो फुट फॉरवर्डेड बाय ग्रेट स्कॉलर्स लाइक रोशियो ने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसको डिस्क्राइब किया था और हम लोग ये भी देखा है कि ऑन 20 जून वो लोग असेंबल हुआ है इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्साइल्स का टेनिस कोर्ट वर्साइल्स पैलेस का बाहर टेनिस कोर्ट का वहाँ असेंबल होके वो लोग अपने आप को डिक्लेयर किया है ये थर्ड स्टेट लोग नेशनल असेंबली और वो लोग ऐसा डिक्लेयर किया है कि हम लोग पूरा फ्रांस के लिए हम लोग ही नेशनल असेंबली है और हम लोग ही पूरा फ्रांस के लिए हम लोग ही वॉइस है हम लोग प्रेसअप कर रहे हैं ऐसा डिक्लेयर करके वो लोग मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहा था और उन लोगों ने और लिया है प्रॉमिस लिया है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉप नहीं करेगा उस जगह से वो लोग नहीं हिलेगा ये थर्ड स्टेट लोग तो उन लोगों को लीड कर रहा था मिराबियो एंड अबिसाइस हम बता चुका है मिराबियो और अबिसाइस कौन है तो हम लोग देख रहा था तो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत बिजी था इन द रेस्ट और फ्रांस पूरी तरह कंट्री साइड एरिया में या अर्बन एरियाज में बहुत सीटेड मीन्स बॉइलिंग हो रहा था मीन्स दंगा फसाद हो रहा था पूरा फ्रांस में बिकॉज ऑफ द बैड हार्वेस्ट क्योंकि बहुत ठंडा था फ्रांस में इसलिए हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है और जो ब्रेड का जो डेली वो लोग खाता है जो ब्रेड का प्राइसेस बहुत प्राइस अप हो गया है और लोगों को बहुत परेशानी देखने को मिल रहा था मीन्स लॉन्ग लाइन उन लोगों को मीन्स खड़ा होना पड़ता था ब्रेड खरीदने में और ये जो बेकर शॉप है वो लोग मीन्स स्टॉक कर रहा था छुपा के रख रहा था कि जब दाम बढ़ेगा उसी टाइम बेचेगा बोल के इसलिए लोग गुस्सा होके तो क्या हुआ है एन एंग्री मॉब वुमेन लोगों ने एजिटेट करके मीन्स शॉपकीपर पर स्ट्रॉन्ग किया है टूट पड़ा है और उससे ऐसा सिचुएशन खराब हो रहा था फ्रांस में तो इसीलिए किंग लुईस आर्मी को कि पेरिस में जाके जो इतना दंगा फसाद हो रहा है उसको मीन सिचुएशन को संभालो बोल के उसने ऑर्डर दिया है तो ऑन 14 जुलाई तो एजिटेशन टू प्लेस हो गया है पेरिस में तो बेस्टाइल को हम लोग फर्स्ट में देखा है कि बेस्टाइल को कैसा डिस्ट्रॉय किया है और वहाँ जेलर बेस्टाइल मीन्स एक जेल था उसको कमांडर को भी मार डाला है जेलर को भी और इसके बाद जितना भी कैदी था उस जेल में उसको चुराया है हम लोग देखा है फर्स्ट में तो ऐसा हुआ है ऑन 14 जुलाई तो फ्रांस में पूरा ऐसा हो रहा था इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज दादा
lords of the manor had higher bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. तो countryside means rural side में ऐसा rumors फैल गया, अफवाह फैल गया है कि जो उन लोगों का जो manorial lords है, manor means जो an estate consisting of the lord's land and his mansion, जो ये जमींदारी का जो जमीन है, ऐसा अफवाह फैल गया है कि countryside में कि lords जो उन लोगों का मालिक है वो लोग हायर कर रहा है कि ब्रिगेंड्स को, ब्रिगेंड्स मींस जो गैर कानूनी काम करता है, उन लोगों को हायर किया है उन लोगों का फसल खराब करने के लिए किसान लोग, क्योंकि ऐसा सिस्टम था मींस फ्रांस में कि लॉर्ड जमीन जितना भी था वो लॉर्ड का था, लॉर्ड मींस जो नॉबिलिटी या क्लर्जी में आता है उन लोगों का मींस गेट करता था, तो इसीलिए ऐसा अफवाह फैल गया है कि कंट्रीसाइड में गांव-गांव में फैल गया है कि जो जमींदार है उन लोगों का वो बहुत लोग हायर किया है, ब्रिगेंड्स हायर किया है, ब्रिगेंड्स मींस जो गैर कानूनी काम करता है उन लोगों को हायर किया है किसान लोगों का जो फसल राइप हो गया है, राइप मींस जो कटने का टाइम हो गया है वो फसल को खराब करने के लिए हायर किया है, ऐसा अफवाह फैल गया था कंट्री साइड में। तो क्या हुआ है, लेट्स सी, कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर पेशेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज हॉर्स एंड पिच फॉर्क एंड अटैक चैटविक्स। तो किसान लोग जब ये सुना है ये अफवाह तो बहुत किसान लोग मींस पैनिक हो गया है, मींस बहुत डरने लगा है, तो किसान लोगों ने वो लोग सिवरल फ्रांस का पूरा डिस्ट्रिक्ट में वो बड़ा होइस एग्रीकल्चरल टूल्स जो है, जो पिच फॉर्क है, जो स्पेट है, ये सब लेके वो लोग अटैक करने लगे चैटविक्स को। चैटविक्स मींस ये राजा का कैस्टल है, राजा का पैलेस बोला जाता है, जब राजा दूसरा डिस्ट्रिक्ट में विजिट करना जाता है तो उसी जगह पर तैरता है, मींस रुकता है, तो वो राजा का एक कंट्री साइड में एक पैलेस माना जाता है जगह रहने का। तो वो घर को अटैक करने लगे किसान लोग गुस्सा से, क्योंकि वो लोग ऐसा अफवाह फैल गया था कंट्री साइड में विलेज टू विलेज की जो उन लोगों का जमींदार है, जो नॉबिलिटी और क्लर्जी है, वो लोग मींस एक जो गैर कानूनी काम करता है उन लोगों को हायर है उन लोगों का जो राइप फसल को खराब करने के लिए, ऐसा अफवाह फैल गया था। तो हर से बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में फ्रांस में किसान लोग इसीलिए होइस मींस जो दाव होता है, स्पेड या दाव होता है, और पिचफॉर्क जो मींस क्लीन करता है एग्रीकल्चर, जो धार्ट को क्लीन करता है, जो फ्रिज फ्रॉक है उसको लेके वो लोग चैटविक्स अटैक किया है किंग का पैलेस को वहाँ कंट्री साइड में। होइस मींस जो एग्रीकल्चरल टूल होता है, जो धाव भी बोला जाता है आर्म मींस इन इंग्लिश एंड हैंडी आई डोंट नो, और मींस जो मींस कंडा को साफ करता है, तो उसको लेके वो लोग किंग का पैलेस को अटैक करने लगे किसान लोग गुस्सा से। दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूल्स। तो किसान लोगों ने क्या किया है, वो लोग लूटेड मींस वो लोग मींस छीन लिया है जो ग्रेन वो लोग स्टॉक करके रखा था किंग का पैलेस में, उसको किसान लोगों ने छीन लिया है। हॉर्डेड ग्रेन मींस जो छुपा के रखा है वो ग्रेन को वो लोग छीन लिया है। एंड बर्न डाउन, और वो लोग मींस जला दिया है डॉक्यूमेंट्स को जो रिकॉर्ड रखता था, ये जमींदार को उन लोगों को कितना टैक्स देना पड़ता था वो रिकॉर्ड जो बुक है उसको जला दिया है किसान लोगों ने, और जो ग्रेन छुपा के रखा था जमींदार लोग वो ग्रेन को भी छीन लिया है किसान लोग। तो ऐसा हो रहा था कंट्री साइड में फ्रांस में। A large number of nobles fled from their homes. तो बहुत सारा nobles को अटैक करने लगे किसान लोग गुस्सा से,
और बहुत सारा क्लर्जी लोगों को अटैक करने लगा है पूरा फ्रांस में, क्योंकि हम लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये थर्ड स्टेट का है, 90% पॉपुलेशन, और 10% नोबल और क्लर्जी का पॉपुलेशन था। तो किसान लोग कंट्री साइड में अलग अलग एरिया में फ्रांस में कंट्री साइड में अटैक करने लगे नोबल्स और क्लर्जी को, और कुछ जगहों में वो लोग हॉर्डेड क्रेंस जो क्लर्जी नोबल लोग क्रेंस को छुपा के रखा था उसको भी छीन लिया है किसान लोगों ने, और जो डॉक्यूमेंट्स हिसाब किताब रखता था कितना देना है, कितना देना है जमींदार को या क्लर्जी को या नोबलिटी को, वो हिसाब का बुक को भी किसान लोगों ने जला दिया है बहुत सारा जगह में। इसलिए बहुत सारा नोबल्स लोग अपना घर से भाग गया है, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। तो बहुत सारा नोबल्स और क्लर्जी लोग नेबरिंग कंट्रीज में, फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि स्पेन इटली में भाग गया है वो लोग अपना जान बचा के, क्योंकि किसान लोग अटैक करने लगे उन लोगों को। देन फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स लुई 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. तो बहुत ऐसा सिचुएशन माहौल खराब हो रहा था फ्रांस में, पूरी तरह से नोबल क्लर्जी लोगों को अटैक करने लगे किसान लोग गुस्सा से, जब यह अफवाह फैल गया था तो अनरेस्ट था पूरा फ्रांस में। तो फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, तो क्या करेगा, बहुत रिवॉल्व हो रहा है। लुई 16 ने क्या किया है, फाइनली वो क्या किया है, एकॉर्ड मींस एकॉर्डेड रिकॉग्निशन दिया है नेशनल असेंबली को जो थर्ड स्टेट का था, जो नेशनल असेंबली उन लोगों ने फॉर्म किया था टेनिस कोर्ट का बाहर में, और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड कर रहा था, तो एट लास्ट लुई 16 के पास भी पड़ा है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करना पड़ा और वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, और उसने ये एग्री कर लिया है कि अभी से मेरा पावर कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा बोल के लुई 16 ने मींस एग्री कर लिया है जो कॉमन पीपल का डिमांड था थर्ड स्टेट का, कि वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी से कॉन्स्टिट्यूशन मेरा पावर्स चेक करेगा बोल के किंग ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत अनरेस्ट हो रहा था पूरा फ्रांस में, इसीलिए मींस ऑप्शन नहीं बचा है लुई 16 के लिए, तो फाइनली उसको एक्सेप्ट करना पड़ा थर्ड स्टेट का मांग को। देन ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system. तो on the night, तो 4 अगस्त का night में क्या हुआ है, तो ऐसे एक कानून पास किया है in the year 1789 कि abolish करेंगे feudal system को, और जो भी taxes है फीडल सिस्टम को एबोलिश किया जाएगा फ्रांस में, और जो भी ऑब्लिगेशन है एंड टैक्सेस है उसको भी एबोलिश किया जाएगा, जो ऑब्लिगेशन मींस जो इंजॉय करता है प्रिविलेजेस फीडल लॉर्ड्स लोग और ये क्लर्जी नोबिलिटी लोग, और जो भी टैक्सेस लेता था ये सबको एबोलिश किया जाएगा बोल के एक कानून पास किया है ऑन 4 अगस्त 1789। तो डिग्री मीन्स बहुत मीन्स एक सब कानून पास किया है ऑन दिस डे ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, तो एबोलिश किया है फ्यूडल सिस्टम को और टैक्सेस को और जो भी प्रिविलेजेस इंजॉय करता था नोबिलिटी लोग। देन मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, तो क्लर्जी लोगों को भी मींस फोर्स किया है अपना जो भी प्रिविलेजेस इंजॉय करता था पहले वो सब कुछ उन लोगों को गिव अप करना पड़ा है, क्लर्जी लोगों को भी नोबिलिटी लोगों को भी। देन टाइथ्स वेयर एबोलिश एंड लैंड्स ओन बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड, और टाइथ्स मींस जो चर्च को वो लोग टैक्स देता था चर्च को, तो वो उसको भी एबोलिश कर दिया है, और जो जमीन
चार्ज का नाम से था, चार्ज का नाम से था जो जमीन छीन लिया गया। देन हैज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। तो ये सब कुछ जब ये प्रॉपर्टी चार्ज लोगों का ये टैक्सेस वगैरह ये सब बंद किया है और जितना भी चार्ज का प्रॉपर्टी कन्फिस्केट किया है तो गवर्नमेंट के पास पूरा कितना एसेट आया है, कितना पैसा आया है, 2 बिलियन लीवर्स आया है गवर्नमेंट के हाथ में जब ये सब कुछ छीनने लगा है। क्योंकि अभी फ्रांस को मीन्स किंग का पावर लिमिट हो चुका था फ्रांस में, डोंट फॉरगेट दैट। अभी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो चुका था फ्रांस के लिए और किंग का पावर को कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर रहा था। तो चार्ज का पूरा नोबिलिटी और क्लर्जी का प्रिविलेजेस को भी छीना गया, फीडल सिस्टम को बंद किया गया और सख्त कानून पास किया है। और इसके बाद जब चार्ज का प्रॉपर्टी को सील किया गया, 2 बिलियन लीवर्स मिला है उन लोगों को। Then I'll be doing new topic tomorrow. So we will be dealing only this much for today. I hope you will enjoy the video and whatever queries you may have, you are most welcome to us. Okay. France became a constitutional monarchy. How did France become a constitutional monarchy? We are going to see it tomorrow. The National Assembly, okay, we will deal it tomorrow. Thank you.